अब बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है जहां गुजरात के 42 कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। बेंगलुरु के इग्लटन रिजॉर्ट के अलावा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के घर भी छापा पड़ा है। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार ही कांग्रेस के 42 विधायकों के ठहरने का इंतजाम देख रहे हैं। बेंगलुरु के जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस के गुजरात के 42 विधायक रुके हुए हैं उस रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई है और साथ ही ऊर्जा मंत्री शिवकुमार के घर पर भी छापेमारी की खबर है। सुबह 7 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई है जो इस वक्त भी लगातार जारी है। आपको बता दें पहले से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से उसके विधायकों को खरीदने की डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी कोशिश इसलिए है ताकि गुजरात से राज्यसभा नहीं पहुंच पाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। और अब इस खबर पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आयकर विभाग ने छापा मारा है रिजॉर्ट में, गुजरात के 42 विधायक रुके हुए हैं उसी रिजॉर्ट पर। यह छापेमारी आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, पिछले 2 घंटे बीत चुके हैं। छापेमारी कहा जा रहा है अभी भी जारी है। रिजॉर्ट में गुजरात के 42 कांग्रेसी विधायक रुके हुए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु के इग्लटन रिजॉर्ट के अलावा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के घर पर भी छापा पड़ा है। शिवकुमार ही कांग्रेस के 42 विधायकों के ठहरने का इंतजाम देख रहे हैं। तो एक तरफ बेंगलुरु में रिजॉर्ट पर छापा पड़ा है जहां पर कांग्रेस के गुजरात के 42 विधायक ठहरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ के शिवकुमार जो कि तमाम विधायकों के ठहरने का इंतजाम देख रहे हैं, ये ऊर्जा मंत्री भी हैं कर्नाटक के, उनके घर पर भी छापेमारी की खबर है। आयकर विभाग का ये छापा आज सुबह 7 बजे से जो इस वक्त भी लगातार जारी है। मंत्री डीके शिवकुमार के घर पर भी छापेमारी और इसके अलावा उस रिजॉर्ट पर भी छापेमारी जहां पर 42 कांग्रेसी गुजरात के जो विधायक हैं वो ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए अहमद पटेल अपनी जीत को लेकर लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके ठीक पहले हमने देखा था कांग्रेस के कई विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसी डर से कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात के अपने बाकी 42 विधायकों को बाकायदा बेंगलुरु ले जाया गया ताकि वहां पर उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो। और कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है कि दरअसल बीजेपी खरीद फरोख्त के साथ ही डराने धमकाने की कोशिशों में भी लगी हुई है। ये अधिकारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आयकर विभाग के तमाम अधिकारी जो गाड़ी से पहुंचे और रिजॉर्ट पर छापेमारी उन्होंने की और इसके अलावा ऊर्जा मंत्री जो कि कर्नाटक के हैं उनके घर पर भी छापेमारी की ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगी। पिंकी, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है आयकर विभाग का छापा सुबह 7 बजे से? बिल्कुल चित्रा, सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स जो है वो छापेमारी चल रही है ईगलटन रिसोर्ट भी, और साथ ही डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक कैबिनेट के मंत्री है ऊर्जा मंत्री उनके घर भी ये छापेमारी चल रही है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो आपको ये भी बता दूं कि शिवकुमार ही है जो कि पूरे इस प्रक्रिया के इंचार्ज है। गुजरात एमएलए को लाने उनके पूरी हॉस्पिटैलिटी के इंचार्ज डीके शिवकुमार थे और साथ ही ईगलटन रिसोर्ट जहां पर 42 एमएलए जो कांग्रेस गुजरात कांग्रेस के है वो भी यहीं रुके हुए हैं। तो दोनों ही जगह पर इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त चल रही है। सुबह 7 बजे से ये छापेमारी चल रही है। बैक टू यू चित्रा। सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी लगातार जारी है, कुछ वजह पता चल पाई है कि इसके पीछे कारण क्या है? देखिए चित्रा, फिलहाल वजह तो नहीं पता चल पाई है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है ईगलटन रिसोर्ट पर कर्नाटक के कैबिनेट ने भी तकरीबन 900 करोड़ का पेनाल्टी जो है वो लगाया था, लेकिन वो वाला मामला कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन ये इनकम टैक्स रेड किस लिए हुई है ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कांग्रेस इस पर जो है सवाल जरूर खड़े करेगी क्योंकि जिस तरह से शिवकुमार वो इन तमाम एमएलए के हॉस्पिटैलिटी के इंचार्ज है और जहां ये तमाम एमएलए रुके हुए वहां पर भी ये छापेमारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पर सवाल जरूर खड़े करेगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े करेगी क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें भी अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। ऐसे में अहमद पटेल क्या राज्यसभा जा पाएंगे उसकी कोशिशों में कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई है और यही वजह है कि आप सोचिए गुजरात में जहां पर बाढ़ से इस वक्त भीषण तबाही की स्थिति पैदा हुई है, इन सब के बावजूद अपने 42 विधायकों को बाकायदा कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु लेकर गई, लेकिन वहां पर जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके हुए हैं वहां पर आयकर विभाग ने आज सुबह 7 बजे छापेमारी शुरू की। और इसके अलावा
मंत्री डीके शिवकुमार, जैसा कि जानकारी हमारी संवाददाता दे रही थी कि उनके ऊपर हॉस्पिटैलिटी की पूरी जिम्मेदारी है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। और इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमलावर होगी। अमन चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अमन, हम चाहेंगे कि विस्तार से जानकारी दीजिए, आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसके बाद अब इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल ये राज्यसभा चुनाव जो होना है 8 अगस्त को, 8 तारीख को राज्यसभा चुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी टूट से कांग्रेस पार्टी डरी हुई थी। आपको बता दें 57 विधायक थे कांग्रेस के पास, 6 दो दिन के अंदर जो है वो 6 विधायक टूट कर चले गए थे, इसी वजह से 51 रह गए थे। जीत के लिए 45 के करीब की जरूरत है। कांग्रेस को ये डर था कि कहीं और विधायक टूट कर ना चले जाए उनकी, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, कि 10 करोड़ में खरीदा जा रहा है विधायकों को, ये आरोप लगाया जा रहा था। और इसी कड़ी में इस टूट से बचने के लिए इसी वजह से 42 विधायकों को कर्नाटक में बेंगलुरु में ईगल्टन रिजॉर्ट भेज दिया गया था। वहां पर सुरक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी गुजरात कांग्रेस की तरफ से। यह कहा गया था कि अगर आप डराना धमकाना छोड़ दें हमारे विधायकों को तो हमारे विधायक वापस चले आएंगे। और अब यह खबर आ रही है कि जिस रिजॉर्ट में रखा गया था विधायकों को, उस रिजॉर्ट में छापेमारी हुई है। मेरे साथ विजय विद्रोही है, मेरे सहयोगी विजय। आयकर विभाग की जो छापेमारी हुई है ऊर्जा मंत्री के जो घर पर हुई है, लेकिन ईगल्टन रिजॉर्ट में क्यों? क्योंकि ऊर्जा मंत्री देखरेख कर रहे थे विधायकों की, ये पूरा मामला किस तरह से लिंक हो रहा है? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है, ये तो कांग्रेस ही साफ कर पाएगी कि किस ढंग से वो या उनके मंत्री साफ कर पाएंगे। लेकिन जो ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट का इश्यू पहले भी फंसा हुआ था, काफ़ी समय से ये मामला चल रहा था। रिजॉर्ट ने कुछ ज़मीन अतिरिक्त एक्वायर कर रखी थी, उसको लेकर कर्नाटक सरकार और रिजॉर्ट के बीच चल रहा था मामला, कोर्ट में भी गया था। और अभी हाल में ही जिस दिन ये विधायक वहाँ पहुँचे थे उसके दो दिन पहले ही करीब 800 करोड़ की जो पेनल्टी है उसका नोटिस भी इस रिसोर्ट को भेजा गया था। इससे कांग्रेस के आरोपों को बल मिलेगा ना, जो कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमारे विधायकों को परेशान या खरीदने की कोशिश। हाँ, वो तो इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वो कह ही चुके हैं कि 15-15 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए जा रहे हैं और साथ साथ विधानसभा की सीट ऑफर की जा रही है। ये मामला चुनाव आयोग के पास भी गया है, चुनाव आयोग ने भी वहाँ से रिपोर्ट, राज्यसभा से रिपोर्ट मांगी है। और ऐसे में अब ये जो नया इशू है, अभी जब लोकसभा चल रही है तो मुझे लगता है लोकसभा में जबरदस्त कांग्रेस के नेता हैं उस पर हंगामा करने वाले। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में हंगामा किया जा सकता है क्योंकि 42 विधायकों को सुरक्षित भेजा गया था बेंगलुरु की, वहाँ पर कम से कम जो है खरीद फरोख ना हो सके और 8 अगस्त तक जो राज्यसभा का चुनाव होना है, अहमद पटेल को जो चुनकर आना है वो कम से कम वहां पर ना हो सके। लेकिन वहां पर भी आयकर विभाग की रेड हो गई है। आपको एक बार फिर से बता दें, डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है और उस ईगल्टन रिजॉर्ट में जहां पर कांग्रेस के 42 विधायक रुके हुए थे वहां पर भी छापेमारी हुई है। बड़ा राजनीतिक बवाल इससे खड़ा हो सकता है, लोकसभा की कार्रवाई भी होनी है, ये मुद्दा वहां पर भी उठ सकता है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, और मौके की तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े करेगी, जैसा कि विजय विद्रोही मेरे सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि उसकी जमीन को लेकर कुछ विवाद है, कोर्ट में भी पूरा मामला गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपको भी खबर मिली होगी जिस बेंगलुरु के रिजॉर्ट में आपके कांग्रेस के 42 विधायक रुके हुए हैं वहां पर छापेमारी आयकर विभाग ने की है, सुबह 7 बजे से जारी है, इस पर टिप्पणी आपकी। तो साफ दिख रहा है कि गुजरात में हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद हमारे विधायकों ने इस प्रकार का आरोप लगाया। उसके बाद जब हमने विधायकों को संभालने की कोशिश की तो उन्होंने बाढ़ की एक परिस्थिति पैदा करके बदनाम किया। अब जब अमित शाह का नोट नहीं चला तो वो नोटा लेके आ गए। अब नोटा का जब हमने विरोध किया तो ये आईटी के रेड मार रहे हैं। तो आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये तमाम एजेंसियां इस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोग देख रहे हैं और मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा कि चुनाव साफ सुथरे ढंग से हो। हमारे एमएलए कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। किसको वोट दे रहे, ये ज्यादा मायने रखता है। तो क्या आपको लगता है कि दरअसल टाइमिंग जो है वो गलत है और डराने धमकाने के तहत इस तरह का काम बीजेपी की ओर से करवाया जा रहा है ताकि अहमद पटेल राज्यसभा नहीं जा पाए कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी विषय पर नहीं, हर विषय पे जो तमाम जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन को हैरान कर रही है। या तो आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए, नहीं तो सीबीआई का केस लग जाएगा, ईडी का केस लग जाएगा। अमित भाई एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, सीनियर हैं, अनुभवी हैं,
निश्चित तौर पर उनको वो चुनाव जीतेंगे ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन अहमद भाई के चुनाव को रोकने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नाक की लड़ाई बना रखी है, मैं समझता हूं कि अगर अहमद भाई जीत जाएंगे तो उनको इस बात की चिंता है कि उनकी नाक कट जाएगी, उनकी अपनी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका उसमें चाणक्य बनकर के घूम रहे हैं, चतुर बन के घूम रहे हैं लोग, ऐसे चतुर लोगों के पूरे एक 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 पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है, भंडाफोड़ हो सकता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, बहुत हो गया। कम से कम देश में एक जनतंत्र है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, शरारत की एक हद होती है। जी, जैसा कि आपने जानकारी दी, पहले तोड़फोड़ की कोशिश है गुजरात में की गई, जब नहीं माने तो फिर अब आयकर विभाग का छापा पड़वा दिया गया, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब आगे क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे ही ये हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए थे, पुतिंग में लगे हुए थे, हमारी पार्टी के सभी प्रमुख नेता वहाँ चुनाव आयोग से निवेदन किया कि ये गलत हो रहा है, कि हमारे विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको पैसे की कीमत, पैसे के लालच दिया जा रहा है, और उन कुछ भी फर्जी केसेस को करके बोला जा रहा है अगर बीजेपी में नहीं आएंगे आप, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे तो आपके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होगी। तो चुनाव आयोग ने तत्काल एक नोटिस दी सरकार को, वहाँ पे चुनाव आयोग के जो काउंटर पार्ट है वहाँ पर गुजरात में। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल इस प्रकार के जो इनकम टैक्स का रेट है इसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी बहुत सख्ती से अपनी बात रखेगी और सरकार को एक्सपोज करेंगे हम। देखिए, चुनाव को चुनाव की तरह से लड़िए, एक पारदर्शी तरीके से, एक भक्त तरीके से लड़िए, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एजेंसियों का ये दुरुपयोग जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और संजय जी, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि पहले गुजरात में नोट फिर नोटा से भी काम नहीं चला तो बकायदा रिजॉर्ट पर आप लोगों ने छापेमारी करवा दी है और ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है। देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट है। अब आयकर एजेंसियां यदि अपना काम नहीं करेंगी, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बाढ़ पीड़ित गुजरात से बाढ़ पीड़ितों की समस्या को सुनने की बजाय, सुलझाने की बजाय, मदद पहुंचाने की बजाय अपने विधायकों को अय्याशी कराने का प्रबंध बेंगलोर में करा रखा है, इसलिए आयकर विभाग अपना काम भी नहीं करेगा। ये विचार ही सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस किस तरह से बौखलाई हुई है, उसको अपने विधायक संभालने में भी पीड़ा है। उसके विधायक हर दिन जो है, क्योंकि श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जिस तरह से कांग्रेस को नष्ट करने पर आमादा हैं, उससे परेशान होकर विधायक जो हैं वो दूसरे दल में, जिस दल में उनको लग रहा है कि राजनीतिक भविष्य। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो टाइमिंग है इस छापेमारी की, उसको लेकर तो सवाल खड़े होंगे ना, क्योंकि ये मामला तो काफी पहले से चला आ रहा है। अब चूंकि कांग्रेस के 42 विधायक उस रिजॉर्ट में रुके हुए हैं तो वहां पर छापेमारी हो गई। नहीं, आयकर विभाग को यदि सूचना मिले कि कहीं पर बड़े पैमाने पर धन रखा हुआ है तो क्या आयकर विभाग इसलिए वहां नहीं जाए कि वहां कांग्रेस के विधायक रहते हैं? ये नया आयकर अधिनियम जो है कांग्रेस बनाना चाह रही है इस देश में। हमको तो याद है कि 2000 की बात है, मुंबई में महाराष्ट्र के कांग्रेस के कुछ विधायक वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ आकर मिल रहे थे, उस समय पुलिस भेजकर जो है बाकायदा वहां पर उस विधायक निवास को खाली करा लिया गया था। तो कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपनाती रही है, इसलिए कांग्रेस को जो जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो कांग्रेस की दाढ़ी में ये तिनका बता रहा है कि वो अपने विधायकों को भी नियंत्रित कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही है, इसलिए आयकर विभाग की कार्रवाई को भी बदले की कार्रवाई कह रही है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार ये वो शख्स हैं जो कांग्रेस के 42 विधायकों के ठहरने का पूरा इंतजाम देख रहे हैं, उनके भी घर पर छापेमारी हो गई। इसका मतलब उनको काला धन छिपाने का ये और स्मगलिंग करने का अपराध करने का उनको जो है संवैधानिक कोई प्रावधान किया जाना चाहिए आपको लगता है? डीके शिवकुमार यदि कांग्रेस के विधायकों को कहीं पर अय्याशी का प्रबंध कराएं, इसलिए उनको जो है काला धन रखने, आयकर में तमाम जो है छापे से उनको छूट देने और उनको जो है किसी तरह का अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर रियायत दी जा सकती है क्या? इस देश में इस तरह कोई संवैधानिक व्यवस्था कांग्रेस बनाना चाहती है? यानी कि आपको आयकर विभाग की इस छापेमारी में कुछ भी गलत नहीं नजर आता है? शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है टाइमिंग को लेकर, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इस रिजॉर्ट पर छापेमारी आज सुबह 7 बजे से ही लगातार चल रही है। कांग्रेस पार्टी के गुजरात के 42 विधायक यहां पर ठहरे हुए हैं और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को आयकर विभाग की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि दरअसल जब नोट नहीं चला तो गुजरात में नोटा, और जब उससे भी काम नहीं चला तो अब
आयकर विभाग की छापेमारी के जरिए डराने की कोशिश इस वक्त बीजेपी की ओर से की जा रही है, जबकि बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है और उसका ये कहना है कि अगर कहीं से भी कोई जानकारी आयकर विभाग को मिलेगी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो वहां पर छापेमारी करने के लिए जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस विधायकों वाले रिजॉर्ट पर पड़ा है छापा, और जानकारी लेकर फौरन हम लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।